ही मैं हूं इंतहाई पूरा जरूर देखें वफाकी हकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें सबसे पहले तो आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफ आई ए के जो डायरेक्टर आपको डॉक्टर रिजवान और एक अहम गोवा मकसूद चपड़ासी दोनों रास्ते से हट गए अब एफ आई ए के जो प्रोसिक्यूटर है फारूक बाजवा बैंकिंग क्राइम कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक बेहोश हो गए उन्हें लेकर अस्पताल जाया गया लेकिन अब जाहिर है इस केस पर आपको पता है बहुत ज्यादा ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं और वो मखसूस बातें जो ड्राइंग रूम में होती हैं स्लो जहर वाली वो आहिस्त आहिस्ता सच साबित हो रही हैं दूसरी तरफ बड़ा इंतहाई पर किस्म का बजट पेश किया गया इसके नतज जो है वो आपको तकरीबन हफ्ते दस दिन बाद पता चलेंगे ये गंदा तरीन बजट देकर उन्होंने मीडिया से खबर चलवाई कि जी परवेज मुशरफ साहब का इंतकाल हो गया ताकि अवाम की सारी जो है जो रदमल है जो सोच है वो ख्याल है उधर चला जाए उन्हें कोई फ़ायदा ना हो ये अमरीकी बजट आई एम एफ का बजट अमरीकी स्टैबलिशमेंट के लिए साफ तौर पर बनाया गया कि पाकिस्तान की मुस्कबिल और मीशत को किस तरह तबाह करना हैं। इसलिए ये जो इश्यूज आपको पता है इनसे तोजह हटाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि मुशरफ साहब की वो जो पूरी गेम है हिंदुस्तान से पहले चलवाई फिर इन्होंने उठाई हालांकि वो पहले से अस्पताल में दाखिल हैं अच्छा ये अब नून लीग का जो मीडिया सेल है वो इस वक्त बड़ी ताकत और बड़ी झूठ के साथ असल इश्यूज़ से दूर करने के लिए ये कामयाब मुजाह करें आप देख कि तीन दिन पहले मकसूद चपड़ासी की खबर को आमिर लियाकत साहब के इंतकाल की खबर के साथ मिला कर लॉन्च किया गया और फिर मकसूद चपड़ासी की मौत पर बात करने की बजाय आमिर लियाकत साहब की ज़ाती ज़िंदगी को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर ये सारे मीडिया वाले शुरू हुए फजूल की बातें उनकी जारी जिंदगी पर इनके थमने लपड़े जैसे समा न्यूज का ट्वेंटी फोर न्यूज का ये वो गेम है जो आम बंदे को शायद अभी समझ नहीं आएगी मीडिया की लेकिन आप इनके बजट समेत इस मामले के इस पर बात करता हूं तफसील से क्योंकि जो खबर मीडिया छुपाएगा वही खबर आपके सामने इन लाएंगे सबसे पहले तो गिला हमेशा की तरह जनरल कमर बाजवा साहब से और एक शेर भी एक नजर हमारे वतन पर भी डाल दें आपका बेल्जियम रहे आबाद हमें कोई फिक्र नहीं खुदा इन तमाम लोगों को देखें किस तरह के अजाब की तरफ लेके जाएगा कि जब इनके ऊपर कोई ना कोई इस तरह का मुसलत कर दिया जाता है शख्स और अल्लाह से दुआ है कि जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की उनका इंजाम हमें अपने सामने दिखा दे इंसाफ अल्लाह का होता है हम रहम मानते हैं लेकिन अपनी आंखों से इनका इंजाम ज़रूर देखना चाहिए उन्होंने किया क्या और मैं क्यों कह रहा हूं कि वाकई खड़ी फसलों में खंजीर छोड़ दिए गए ये देखें इतना ज़बरदस्त सफ़र हो रहा था चलती हुई गाड़ी का अचानक हैंड ब्रेक खींच दी गई चढ़ाई पर से न्यूट्रल कर दिया गया दुखी दिल की बातें हैं और दुआ करें कि इतनी बातें समझ भी ना आए किसी को क्योंकि जितनी समझ आएंगे उतने ज्यादा कुड़ेंगे आप उतने ही अंदर से आपका दिल मजीद जलेगा ये क्या खिलवाड़ हो रहा है पिछले आठ आठ घंटे बिजली बंद श्रीलंका के हालात से बदतर बनाने वाले हैंडलर ये आठ से दस दिन में जरे मुबादला के जखायर इस निचली सतह पर चले जाए कि ईंधन खरीदने के पैसे नहीं है सारी इंडस्ट्री बंद और ये आपको कबल मसीह दौर में लेके बीसी में लेके जाना चाहते हैं वापस पत्थर का भी नहीं पाकिस्तान को ऑफिशियली दिवालिया करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ने इंपोर्ट की पेमेंट्स रोक दी हैं अब ये जो मियां मनशा के तीन बिलियन डॉलर आने थे और सऊदीया से तीस बिलियन डॉलर आने थे वो किधर गए वो वो शहबाज शरीफ साहब का एतमाद है जी दुनिया पर वो किधर है वो आप ये रिकॉर्डिक कानों में जो मादनियात की मौलियत है देखें बारह सौ अरब डॉलर की ज़्यादा अब कैनेडियन कंपनी ने उसका पूरा सर्वे कर दिया है लेकिन ये जानबूझ कर सर्वे सामने नहीं आ रहे जो इन्होंने मुहिदा किया है इस मादनियात की मजमू मौलियत वो इन्होंने ढाई सौ अरब लगा दी अब ये अब जुल्म देखें कितना बड़ा जुल्म है इसकी पूरी बिजाय तहकी का। लेकिन करेगा कौन दूध की रखवाली इस वक्त बिल्ले के हवाले है और ये खुशखबरियाँ हमें क्या सुना रहे हैं कि जी अब हमें जनूबी कोरिया भी पैसे देने लग गया है एक अरब डॉलर वो भी देगा पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान जो माहा इन्होंने किया है कि जी तरक्याती मनसूबों के लिए ये इन्हें कर्जा देंगे मतलब कोई दुनिया का मुल्क नहीं छोड़ना इन्होंने कोई मुल्क अंधे हो जाए उनको देते जाए और ये माल अपना बीच में बनाते रहें कोरिया वालों को अभी इनका पता नहीं इतना मजहब पर जिन्होंने सियासत की वो भी सारे चुप फिल्म मेकरों को फिल्म बनाने वालों को दस साल के लिए टैक्स माफ सिनेमा के लिए पांच साल के लिए आम माफी मोसीकी के आला आलात जो है वो जो साज हैं जो ससंद है उन पर सब पर टैक्स माफ उसकी वजह देखें क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं नवाशी साहब खुद कहते थे मैं मुकेश से अच्छा हूं गोलाकारि साहब को आप माइक पकड़ाएं गाना शुरू कर देखते हैं आप हमजा शहबाज़ काबीना की मीटिंग में गाने सुना रहे हैं मरियम नवाज साहबा के गाने जुनेद सफदर साहब के गाने ये पूरे ख़ानदान को मौसीकी से मोहब्बत है वो समझ आती है कि इन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं कि इनका खैर इनका ताल्लुक जो भी है इनकी जिंदगी मुझे गुस्सा क्या है कि ये तस्वीर हाथ में पकड़ी उन्हें क्यों बुरी लगती थी रहमत सल्ला कमेटी क्यों बुरी लगती थी तकरीर में मदीना की रियासत का जिक्र होता वो क्यों बुरी लगती आग की तरह ये बातें नहीं लगती थी अब सारी समझ आई है कुरान की प्रिंटिंग पेपर पर इमरान खान ने टैक्स ख़त्म किया इस पर उन्होंने टैक्स लगा दी मजाल है कोई मौलाना साहब कोई मौलवी साहब कोई बोले कि ये ज्यादी है चलो वो तो यहूदी एजेंट था ना आप तो सारे पक्के मुसलमान हैं कोई तो बोले ये यहमा इक्राम जो इस हकूमत का हिस्सा है कोई एक अधी आवाज उठा ले सारे खामोश अब हमें ही मतलब इस पर भी बोलना पड़ेगा टैक्स में इन्होंने देखे फर्टिलाइजर पर सेल्स टैक्स को दो फीसद से दस कर दिए फर्टिलाइजर पर सोई गैस पर सेल्स टैक्स पांच से दस फीसद कर दिया है पचास हजार से ऊपर बिल बिजली का हो तो आपको बस सौ डॉलर अब यूरिया की वो बोरी 1750 से 2100 की मिलती थी अब वो एक हज़ार रुपया सस्ती मिलेगी इसके साथ साथ सुई गैस भी आपको वाफर मिलेगी हालत देखें तो भाई बर्बादी करके रख दी और सरकारी मुलाजमन जो उस वक्त बड़े मुजाहरे करते थे इनके साथ तो यकीन के ऐसे लगता है बलात्कार हो गए क्योंकि आप देखें कि पी टी आई ने इस बजट में जो उनका बजट था तनखाओं की मद में पच्चीस फीसद इजाफा करना था वो रखा होगा उन्होंने पंद्रह फीसदी डिस्पेरिटी लाऊ था उनका और दस फीसद बजट में बाकी उन्हें एडहाक में भी जम करना था लेकिन यहां पर शबाशी साहब ने फुल मतलब दस फीसद तनख्वाहों में इजाफा किया और फिर सखावत देखें कि उन्होंने नोटिस लेते हुए दस की बजाय पाँच फीसद और कर दिया, नोटिस भी लिया खुद ही सरकारी मुलाजमी की और पंद्रह फीसद टोटल किधर पच्चीस फीसद था और अब महंगाई देखें इनकी कि महंगाई बीस फीसद बड़ी है और पंद्रह मतलब इनको मज़े अब आएंगे अदम एतम करने के बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे ट्रांसफर करने पाकिस्तान से बाहर पैसे ट्रांसफर करने पर विद टैक्स अब उसके लिए उन्होंने क्या गेम की ये फाइलर और नॉन फाइलर एक फीसद फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए दो फीसद अब जैसे मैं नॉन फाइलर हूं तो ओवरसीज पाकिस्तानी तो ये जानते हैं करना गया है इन्होंने एक कोशिश की कि इन्हें रेजिडेंट बनाए मतलब कि हमारे मुल्क के शहरी हैं वोट के लिए नहीं मानते लेकिन टैक्स इन पर इस तरह लगाए अब खुदा का खौफ करेंगे थोड़ी सी जो रिमिटेंसी रहेगी क्यों तबाह करना चाहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बजट इस पूरे बजट में जनरल बाजवा साहब को छतालीस फीसद तालीम का सेहत का बजट देखें उसका अगर ये आधा भी कर लेते तो यकीन करें पाकिस्तान सच मानो में बखुदा तरक्की करते इन्होंने दिफा का बजट पंद्रह सौ साठ अरब अच्छा दिफा की हालत किया है जी हिंदुस्तान से आके मिसाइल गिरता है इन्हें पता ही नहीं चलता क्या हुआ है खबर अखबार में आती है तो उन्हें है इतना पैसा लेकर भी या इबाबाद वाला वाक़ या हिंदुस्तान वाला वाक़ ये मिज़ाइल वाले वाक्य तो फिर आप अपना बजट तो कम करें मायदे आप जाके कालाद तंजीमों से कर रहे हैं हिंदुस्तान से तजारत कर रहे हैं परफॉर्मेंस आपकी सबसे नीचे और बजट आपका सबसे तगड़ा क्योंकि आप पाकिस्तान में हर जगह अस्पताल स्कूल रोड सब कुछ ठीक हो गया जब हम दिफाव अपना तगड़ा करें आपने करना क्या इन पैसों से आपने हुकूमतें ही बदलनी है तो फिर पैसे की क्या जरूरत है आपको इस मुल्क को दिफाई बजट की जरूरत क्या है जरा सोचे एक साजिश हमला अवर हुई आप न्यूट्रल हो गए आपने अपनी पॉलिसियां बैरूनी दुनिया को खुश करने के लिए बनानी शुरू कर दी तो फिर इस दिफाई बजट पर यह पैसा क्यों ज़ाया हो रहा है अभी देखें वो डॉक्टर अब्दुल की तरफ से कहा जा रहा था कि हम लोग हिंदुस्तान को सलामती कौंसल का मुस्तकिल रुक बनाने की हमायत की हामी भर चुके हैं इसके अलावा आप देख लें एक फोन कॉल पर तो आप ढेर हो जाते हैं इतना कुछ बिना करके क्या वो अपने शबरात पर चलाने के लिए एक हाथ में क्लाशन है आपके और दूसरे हाथ में अपने कान पकड़े हुए हैं मुशरफ साहब को फोन आया था ना कि पत्थर के ढेर में पहुंचा देंगे अब तो खैर पत्थर से भी हम पीछे चले गए वो लेट गए क्या नहीं साहब के दौर में वो हफ्टाबाद घुस गए राहील शरीफ साहब के दौर में जब दिल चाहता था जहां से दिल चाहता था उड़ के अपने परिंदों से इनको जहां पाकिस्तान में निशाने लगाते वो हक साहब भी थे इवन पुराने उस वक्त भी हमारे पास सारा कुछ था फलस्ती मजलूमों को मारने पहुंच गए ये पड़ोस वाले हमारे अभी पत्थरों से लड़कर सत्ताईस मंगाले को घर भेज चुके हैं इनके पड़ोस में देख लें बल्कि ईरान को देख ले तीस साल से खड़ा है कोरिया को देख लें आप यार वेनेजुएला को देख लें क्यूबा को देख लें वियतनाम को देख उनका कितना बजट है अब इस बजट में ये जो इन्होंने पेश किया और इमरान खान का बजट उसमें मैं आपको बड़ा आसान अल्फाज में सब लोगों को समझने के लिए कुछ बातें बताता हूं इमरान खान के आने के उस वक्त बरामदात बाईस अरब डॉलर से कुछ ज्यादा थी जब इमरान खान नहीं आए थे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जब रकम भेजनी शुरू की तो बीस अरब डॉलर से कुछ थोड़ी सी कम की मिलाकर तकरीबन बैतालीस तरतालीस डॉलर होगी अब बाहर से बैतालीस अरब डॉलर सालाना आया करता था अब इमरान खान जो इनके हवाले करके जा रहे हैं उसमें बरामदात बत्तीस अरब डॉलर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भेजी हुई रकम भी बत्तीस अरब डॉलर दोनों को मिलाकर चौसठ अरब डॉलर ये सालाना आ रहा था जरा फर्क आप समझे ये सिर्फ पौने चार साल के दौरान बाईस अरब डॉर डॉलर सालाना गैर यकीन इजाफा ये एक छोटे से बच्चे को भी मैं बताऊं उसको समझ आ जाएगी कोई मुश्किल फार्मूला है ही नहीं अब ये क्या कह रहे हैं कि वे होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं उस पर बरनुम पाकिस्तानियों को कह रहे कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट बने ताकि लोग जायज़ तरीके से पैसे भेजना छोड़ दें वो डॉलर आना भी बंद हो जाएंगे मजीद नुकसान अलैदा होगा पाकिस्तान की देखें जी डी पी दो हजार तेरह से दो हजार अट्ठारह था, था। इसहाक डार साहब ने वो मॉडल रखा था इम्पोर्ट बेस मतलब बाहर से माल इंडस्ट्री अपनी तबाह करो लोकल लोग इंपोर्ट पर चलते जैसे कंटेनर चाइना का है खुले ले जाओ माल जी डी पी बढ़ा दी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा तबाह सारे वो बांग्लादेश इधर उधर भागी सारे इन्वेस्टर्स बैरूनी दुनिया पे आपका डिपेंड था अब दुनिया में महंगाई होगी आपकी डबल होगी ट्रिपल होगी इमरान खान ने जब ये मुल्क संभाला तो इकॉनॉमी को पूरा थ्री हंड्रेड सिक्सटी एटी डिग्री टर्न मारा वो इंपोर्ट बेस से एक्सपोर्ट बेस बनाकर बाहर भेजो आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई आपकी मैन्यूफेक्चरिंग का बिजनेस ग्रो हुआ आपकी इकोनमी सही मानों में ट्रैक पर आई जड़ें बुनियादें मजबूत हुई इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया बूम करना शुरू कर दिया देखिए दो में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उससे हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई थी 2019 और 20 में कोरोना आ गया इकॉनॉमी फिर स्लो हुई फिर 2020 और 21 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बूस्ट पकड़ा अच्छा दुनिया ने जीडीपी की जो पेशन गोई कीजिए पाकिस्तान की एक अशरिया पाँच फीसद बढ़ेगी लेकिन हमारी 2020 और 2021 में पाँच अशरिया सात फीसद ग्रोथ थी मतलब बढ़ रही थी फिर दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाईस में कहा जी बांग्लादेश और हिंदुस्तान बंद हैं तो इसलिए सारे ऑर्डर पाकिस्तान ले गया ये हो गया वो हो गया दो हज़ार इक्कीस में और बीस में हमारी इसलिए जी डी पी लेकिन अल्लाह की मदद साफ थी और नीयत साफ थी जिसकी हम बात करते हैं दो हज़ार इक्कीस में दो चार इशरिया सात फीसद पर पहुँची और फिर जी डी पी का ये हदफ पूरा हुआ और फिर देखें कि ये शराह फीसद छः पर जाके पहुँची अब पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला ये भी है कि ये इकॉनमी स्टेबल नहीं रहती जहां बढ़ना शुरू होती है जहां एक लेवल पर आती है जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में इसको सही असूलों पर डिजाइन किया मैं मीशत का एक तालब इम हूं थोड़ा छोटा सा, सा तालबिल दो साल में एक्सपोर्ट बेस्ड जी डी पी आपकी छह फीसद होगी यह पाकिस्तान की अब पचहत्तर साल तारीख उठा के देखें ऐसा नहीं हुआ कभी भी लेकिन इन्होंने एक चलती हुई गाड़ी की हैंडब्रेक खींच दी बुलंदी पर वह गाड़ी इन्होंने न्यूट्रल कर दी चढ़ाई पर चढ़कर नतीजा आपके सामने अब मैं आपको बहुत सी और भी तफसी बता सकता हूँ लेकिन वो फिर आम बंदे के से मुश्किल हो जाते हैं इतना डाइजेस्ट करना ये मैंने चीधा चीदा, चीदा बातें बताई हैं आपको ये जो बजट इन्होंने पेश किया इन्होंने पाकिस्तान से खिलवाड़ कर दिया है ये जो बातें आपको करख्तगी चेहरे 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 में उतरते उतार चढ़ाव नज़र आता है जबान पर करख्तगी नज़र आती है ये वो पढ़ने की है जब आप पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं तो अंदर से आपका खून खोलता है ये कर आ गए हमारे साथ ये करके आ गया जुल्म पाकिस्तान के साथ इन्होंने बहुत बड़ा म किया अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसकी मजीद तफसील बताऊँगा अपना खास ख्याल रखें मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज